सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको एनुअल बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले वर्ड बजट का मतलब समझ लेते हैं। बजट क्या होता है? बजट जो होता है ना, एक टूल होता है जिसके अंदर हम पहले से ही फ्यूचर का अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारी फ्यूचर में इतनी इनकम आनी है, हमने इतनी परचेजेस करनी है, हमने इतना सेलिंग पे खर्चा करना है, इतना हमने मार्केटिंग पे खर्चा करना है, इतना हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे खर्चा करना है। मतलब पहले से ही एडवांस में फ्यूचर का एस्टीमेट लगा लेना, इसको बोलते हैं बजट। और इसकी एक और भी इसके अंदर चीज आ जाती है, प्लानिंग। मतलब पहले से आपने प्लान कर लेना और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, मतलब एक साल का आपने प्लान कर लिया। ये नहीं कि बजट पूरी जिंदगी के लिए सेट कर, इस तरह नहीं होता और वही बजट चलता रहेगा। नहीं, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है और इसलिए आप बजट भी चेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, मतलब साल का आपने सेट कर लिया, छह माह का बजट सेट कर लिया और एक टाइम पीरियड का बजट सेट किया जाता है और उसके लिए जो एलोकेट होते हैं रिसोर्स वो सेट कर दिए जाते हैं। अभी ये जो बजट होता है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस को देख के भी बनाया जाता है कि पिछले साल हमारा कितना खर्चा हुआ था, कितनी हमारी इनकम थी पिछले साल, उसको देख के भी बजट की अमाउंट सेट की जाती है। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हिस्ट्री ना हो तो फिर नीड और डिमांड को देख के भी बजट सेट कर दिया जाता है। अभी बात आ जाती है कि एनुअल बजट क्या होता है। एनुअल बजट जो होता है ना, देखिए नाम से पता चल रहा है, वो बजट जो मतलब एनुअली बनाया जाए, मतलब हर साल बाद जो बजट बनाया जाता है उसको हम एनुअल बजट कहते हैं। मोस्टली कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, मतलब पूरे साल का बजट सेट कर देती हैं, और गवर्नमेंट भी एनुअल बजट को फॉलो कर रही होती है, साल बाद बजट चेंज करती है, एक पूरे साल का बजट सेट कर देती है जनवरी में कि इस साल दिसंबर तक हमने इतना एजुकेशन पर स्पेंड करना है, इतना हमने, हमारी इतनी इनकम होनी है, हमने इतने टैक्स रिसीव करने हैं, इतना हमने लोन देना है, इतना हमने डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है। मतलब पूरे साल का पहले से ही एस्टीमेट लगा लेना, पहले से ही एक अमाउंट सेट कर देना, उसको हम बोलते हैं एनुअल बजट। और कंपनीज भी इस तरह करती हैं कि वो सेट कर देती हैं, हमारे 10 एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी इतनी है, ठीक है 10 लाख रुपया एम्प्लॉयज के लिए बजट एलोकेट कर दो। इसी तरह परचेजेस कितनी है, उन सारों के लिए एक अमाउंट जो है ना, उसका कम्बिनेशन सारों को देख के, प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री को देख के, उसके बाद नीड को देख के एक बजट सेट कर दिया जाता है पूरे साल का, उसको हम बोलते हैं एनुअल बजट। बजट का क्या बेनिफिट क्या होते हैं बजट के? बजट के ये बेनिफिट होते हैं कि जब सारों को पता चल जाता है कि यार इतना बजट है, मुझे एजुकेशन पे इस दफा इतने पैसे लगने हैं, तो फिर वो एफिशिएंटली काम करते हैं, उन्हें पता होता है इसके अंदर ही काम चलाना है, तो वो फिर कॉस्ट भी जो है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद सारों को टारगेट पता चल जाता है कि ये उनके टारगेट हैं, अपने गोल का पता चल जाता है कि ये गोल उन्होंने अचीव करने हैं, इन गोलों के लिए इनका बजट है। और डिसीजन मेकिंग भी वो बहुत केयरफुली करते हैं, उनको पता होता है यार लिमिटेड बजट है, ध्यान से करना, ये नहीं है एक माह में सारा खर्चा कर देने। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, लाइक टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपने एनालिसिस करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, डाटा इकट्ठा करना होता है, फिर आपने बजट बनाना होता है, और उसके बाद आपकी कॉस्ट भी आती है, कॉस्ट भी लगती है, कॉमन सी बात है। और सम टाइम फ्रॉड वगैरह भी हो जाता है बजट के अंदर, कि आपने एक कंपनी के लिए 10 लाख रुपया, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के लिए 10 लाख का बजट सेट कर दिया, वो 5 लाख रुपए की परचेजिंग करता है, 5 लाख का घपला कर जाता है, तो ये भी चीज़ आ जाती है। आई होप आपको एनुअल बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।